डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, या फिर बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग भी हम इसको बोल देते हैं। इट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, और ये स्पेशली हम यूज करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर टेस्ट केसेस को डिजाइन करने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल जो है वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया होगा, कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्री वैल्यू जो है वो एक्चुअल में नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहां पे हम बाउंड्री की वैल्यूज को उठाते हैं। मतलब हमारे पास यहां पे जनरली मिनिमम वैल्यू, मतलब आपको एक रेंज जो है वो दी होगी। मैक्सिमम केसेस में आपको एक रेंज दी होगी कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगानी है, वो मिनिमम इस वैल्यू पे काम करता है, मैक्सिमम इस वैल्यू पे काम करता है, ताकि आपके पास एक पार्टीशन जो है वो बन जाए। अब वो जो पार्टीशन बन गई, अब उसमें से आपको बाउंड्री की वैल्यूज जो है वो उठानी है। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, जैसा कि आपको पता है कि यार ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम यूज कर रहे हैं। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं करते। मतलब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को समझाने के लिए, कि जैसे आप मार्केट में गए, कार खरीदने जा रहे हो, आपको कार चलानी आती है, आप एक्सपर्ट हो कार चलाने में। अब आप जो है वो कार को सीधा टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हो, उस टाइम पे आप कार के अंदर के बारे में कि इंजन कैसे काम करता है, एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उन चीजों के बारे में अभी फोकस नहीं कर रहे। आप अभी क्या सिर्फ कर रहे हो, कार चलाने का जो है वो मजा ले रहे हो। मतलब एक तरह से आप कार चलाने के टाइम पे सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। अब उस टाइम पे जब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की, तो कैसे समझेंगे इस चीज को, इस एग्जांपल से देखो। लेट अस अज्यूम अ टेस्ट केस दैट टेक्स स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 40 टू 80 टू गेट द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब हमें बोल दिया कि ये कार है जी, अगर इसकी स्पीड मिनिमम 40 रहती है, मैक्सिमम 80 रहती है, तो बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी देती है हमें। अब देखो, हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो जाएंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम सेंटर की वैल्यू को नहीं पकड़ेंगे। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि सर अच्छा मिनिमम 40 चाहिए, मैक्सिमम 80 चाहिए, तो ऐसे करो वैल्यू जो है वो 60 ले लो या 65 ले लो और उसके ऊपर आप चेक करो, मतलब टेस्ट करो। नहीं, हम सेंटर की वैल्यू को टेस्ट नहीं करेंगे, हम बाउंड्री वैल्यूज को उठाएंगे। मतलब यहां पे मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 80 है, तो हम इन दो बाउंड्रीज को उठाएंगे। तो यही चीज यहां पे की है बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस। पहला टेस्ट हमने बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, जो मिनिमम वैल्यू है 40 उससे एक कम ले ली, मतलब 39 वैल्यू यहां पे उठा ली। देन हमने क्या किया, यहां पे हमने टेस्ट केसेस में क्या किया, ये हमने वैल्यू उठा ली 40 जो मिनिमम थी, उसमें एक ऐड कर दिया 41। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू 80 और उसमें एक वैल्यू माइनस कर दी, दैट इज 79। ये एक्चुअल में आएगा वैलिड टेस्ट के अंदर। यहां से ये करेक्ट कर लेना, इट इज नॉट अ इनवैलिड, इट इज अ वैलिड टेस्ट केस। देन अनदर टेस्ट केस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1, मतलब 81 कर दिया, मिनिमम माइनस 1 एक ये कर दिया, मैक्सिमम प्लस 1 एक ये कर दिया, और जो मिनिमम वैल्यू थी और मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें एक ऐड करके और मैक्सिमम एक माइनस करके, इस तरीके से तीन टेस्ट केसेस हमने डिजाइन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, पहला ये टेस्ट लगाएंगे। जब ये टेस्ट लगाया, इसके लगाने के बाद ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगी, इनवैलिड आएगी, मतलब हमें बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली हमारा ये टेस्ट जो है वो एक तरह से आउटपुट इसकी इनवैलिड आ रही है, व्हिच इज व्हाट वी वांट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इनवैलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि गलत आए। यहां पे अगर हम बात करें वैलिड, वैलिड का मतलब क्या है कि जो चीज हम चाहते हैं 40 टू 80 होनी चाहिए, हमने 40 ले ली, 80 ले ली, 40 में एक ऐड कर दिया, 80 में एक माइनस करके ये वाला टेस्ट केस ले लिया। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी, वैलिड आएगी, तो यस दिस इज व्हाट वी वांट। ऐसे ही इनवैलिड का एक और हमने टेस्ट ले लिया जिसमें मैक्सिमम एक ऐड करके हमने डाल दिया। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं अभी थोड़े दिन पहले जो है दुबई गया था घूमने, तो वहां पे मैंने जो है ना, जो वहां पे क्या रोड के ऊपर जो है स्पीड है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि मिनिमम स्पीड 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड 120 होनी चाहिए। जनरली आपने सुना होगा कि मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए ये वो, लेकिन वहां पे मिनिमम स्पीड के ऊपर भी चलान है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से 20 की स्पीड, आपने देखा होगा इंडिया में तो बहुत सारे लोग हाईवे पे भी 20-25 की स्पीड पे चला रहे होते हैं, बेचारे बाकी पीछे वाले भी तंग होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे क्या है, उन्होंने कैमराज जो है वो इस तरीके से ना कैमराज फिट कर रखे हैं, और उन
कैमरास के ऊपर उन्होंने फिक्स कर रखा कि भैया मिनिमम 60 मैक्सिमम 120। अब इस कैमरे को मुझे टेस्ट करना है, तो इस कैमरे को टेस्ट करने के लिए मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा कि कैमरा कैसे कनेक्ट किया, कौन से टाइप का कैमरा है, ये वो कुछ नहीं। मैंने क्या किया, कार लेके आया। अब कार को मैं एक तो ये भी कह सकते हो कि सर आप 80 की स्पीड पे चलाओ, ऑब्वियसली आपका चलान नहीं होगा, ये एक केस आप बना सकते हो। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम बीच की वैल्यू नहीं उठाएंगे, हम बाउंड्री वैल्यू। तो मैंने क्या किया, पहले कार को 59 स्पीड पे लेके आया, तो ऑब्वियसली चलान होगा, वहां पे फ्लैश होगी कैमरे की, तो चलान हो जाएगा। तो यानी ये मेरा एक तरह से आपका टेस्ट केस जो है वो क्या हो गया, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देन हमने क्या किया, वैल्यू जो है वो क्या ली, कार की 60 ली और फिर हमने ली 61। ठीक है, तो इस केस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, चेक करेंगे। ऐसे फिर हमने क्या किया, कार की जो स्पीड थी वो 119 की और 120 की, तब भी हमने देखा कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं। और लास्ट केस में हमने मैक्सिमम में एक ऐड कर दिया, 121 की स्पीड पे चलाई कार और फिर देखा क्या रिजल्ट आ रहा है। सो दिस इज हाउ we actually design the test cases in the boundary value analysis. Thank you.